नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान पर जोर डाला जा रहा है। देश को स्वच्छ बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सही स्थिति अलग है। जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वीडियो बिहार के अररिया जिले के जीरो माइल बस स्टैंड की है। यह तस्वीर सरकार के स्वच्छता अभियान पर अरबों रुपए खर्च करने की बात को ठेंगा दिखा रही है। अररिया जीरो माइल बस स्टैंड में प्रतिदिन हजारों यात्रीगण इकट्ठा होते हैं और सैकड़ों लोग अस्थायी रूप से दुकान व अन्य प्रतिष्ठानों को यहां रहकर चलाते हैं। वीडियो देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह लोग किस तरह से गंदगी में रहने को मजबूर हैं। कहा गया है कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना जरूरी है, लेकिन जब हजारों लोग प्रतिदिन इतनी गंदगी में रहेंगे तो बीमारी भला कैसे पीछे रह सकती है। बस स्टैंड में आने वाले यात्रियों तथा वहां पर अस्थायी रूप से रहने वाले दुकानदारों, टिकट काउंटर पर रहने वाले कर्मियों को बीमार कर सकते हैं और बीमार होते भी हैं। जब वहां पर दुकान लगाने के टैक्स दे रहे हैं तो फिर नारकीय जिंदगी में क्यों रहें? यह सवाल है वहां के दुकानदारों का। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन को इससे अवगत कराया, कई बार तो अधिकारी आकर जाँच भी किए, लेकिन धरातल पर कोई असर नहीं दिखा। वहीं कुछ लोगों ने जीरो माइल बस स्टैंड को जिला परिषद अंतर्गत आने की बात कही। इस बाबत जब हमने जिला परिषद अध्यक्ष आफताब अजीम से पूछा तो उन्होंने कहा कि जीरो माइल बस स्टैंड अररिया के जिला परिषद में नहीं आती है। हालांकि पूर्व के वर्षों में हम लोगों ने यात्रियों की कठिनाइयों को देखते हुए यात्री सेट आदि का निर्माण करवाया था। उन्होंने यह भी कहा कि इस समस्या से जिलाधिकारी महोदया को अवगत कराएंगे। क्या हम क्या करेंगे भाई, बेरिया वाला को भी बोलते हैं, सबको भी बोलते हैं, कोई सुनवाइए ना है यहाँ, सबको भी बोलते हैं हम लोग। डीएम को भी कहे क्या बार, उसमें भी कोई ना है। डीएम का आवेदन दिए गए? हाँ, उसको तो दिया था, बेरिया वाला दिया था। कब से ये स्थिति है यहाँ? ये जब बारिश होता है वैसे होता है, यहाँ बारिश का टाइम है, बहुत दिन से है ये सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ इस्लाम। जितना भी सवारी आता है किसी का भी कपड़ा सही से नहीं जाता है, गंदगी उसको लगना ही लगना है, प्रशासन इस पर ध्यान देता नहीं है। कितना बार आया देख के फोटो लेके चले जाता है, बस खाना पूर्ति होता है। शिकायत किया है प्रशासन खुद आता है, SDO आया था, DM भी आया है, कितना बार इसका नापी वापी करके भी गया है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार प्रशासन है। अब क्या करें, कोई सरकार का कोई सुविधा मिलता नहीं है। थोड़ा सा बारिश होता है तो इतनी कीचड़ हो जाती है, सवारी के साथ साथ हम लोग को भी परेशानी होती है। उस दिन का काम हम लोग का बिल्कुल बंद हो जाता है, बसें रुक जाती है, सवारी रुक जाती है, इतनी परेशानी है, फिर भी कौन सुने इस में, अब किसको बोला जाए। सर, आप लोग टैक्स देते हैं? टैक्स तो सर आम बात है, कोई है, जरूरी है कि टैक्स के बारे में पूछना है? बस स्टैंड के बारे में सवाल क्यों नहीं करते? सवाल किससे करें सर? सरकार से सवाल कितने बार कंप्लेंट ले गए इस यहाँ से, सरकार तो हमने बनाई है। सवाल भी पूछने का हक, सवाल पूछने का हमारी हक पूरी है, पर सरकार तक जाती नहीं है ना सर? जाएगी सरकार तक जाती नहीं, ऐसे वीडियो हमने कई बार बनाई है। आपने कहाँ जाना है आपको? हमको तो यही फारबीसगंज जाना है। टिकट लेने आए बस? हाँ, बस की टिकट लेने आए हैं। कैसे ये इतनी गंदगी में कैसे आते हैं आप? क्या करेंगे, रोड ऊंचा है, स्टैंड नीचा है, इसीलिए गंदगी हो जाता है, सब पानी जो है अंदर आ जाता है स्टैंड का। कितना दिक्कत होता है लोगों को? अब क्या दिक्कत हो रहा है, कि दिक्कत पानी बारिश होता है पूरा लग जाता है पानी। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार क्या करेंगे, स्टैंड ऊंचा करेगा, भरवाएगा उसको, ऊंचा करेगा। तो भाई ये काफ़ी अरसों से है, मैं तो सोचा था अररिया में जिस तरह BJP का संसद है, यहाँ विकास की धाराएं चलनी चाहिए, हर जगह नाली नलिया, हर जगह साफ सुथरा रहना चाहिए। मैं सर कहीं कोई विकास नहीं हुआ, ये जो स्थिति है देखिए बस स्टैंड का, ऐसा स्थिति आज तक मैंने कहीं नहीं देखा था, क्योंकि ये नेपाल का बॉर्डर है और यहाँ और मेन टाउन है ये जीरो माइल, हर जगह की बसें यहाँ आती हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, कभी टूर के बहाने से यहाँ से पार्क नज़दीक है कुशियारगांव, वहाँ लोग जाते हैं, नेपाल के लोग जाते हैं, अदर इलाके के लोग भी, अदर कंट्री के लोग भी आते हैं, कहते हैं इतना घटिया जगह मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ये बड़े, मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, खास करके यहाँ विधायक जी से भी कहना चाहता हूँ,
और पार्षद जिसे भी कहना चाहता हूँ, इस तरह का बस स्टैंड पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना देखा हूँ मैंने। बेहतर ये है कि ये बात संसद तक, मैं सोचता हूँ, बात को पहुँचाया जाए। अररिया कम से कम इस 0 माइल को, बस स्टैंड को अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाएं और तमाम लोगों को यहाँ की सुविधाएँ मिले। जी, यहाँ पर जो बस स्टैंड है, यहाँ पर काफ़ी कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बरसात, अभी तो बरसात स्टार्ट हुआ है, इस कदर कीचड़ हो जाता है कि यहाँ पर चलने लायक मुश्किल हो जाता है। कल एक लेडीज़ जा रही थी, उसको बस में बैठाने के लिए जा रहे थे, कीचड़ की वजह से वो लेडीज़ बच्चा लेकर गिर गई नीचे। बोले कितने सारी परेशानी है, बोल रहा कि स्टैंड बनाएंगे। आज 5 साल से वही बोल रहा है स्टैंड बनाएंगे, आता है नपाई लेकर चले जाता है। 5 लाख मुखिया के अकाउंट में आया था फंड में, एक रोज़ 5-6 महीना पहले झाड़ू पकड़ा के फोटो खींच के चला गया और कुछ भी काम नहीं आ गया। यहाँ पर एक नया रूप देना चाहिए बस स्टैंड का, एक नया लुकिंग देना चाहिए, नाला बनना चाहिए और जिस तरह गाड़ी पार्किंग करने के लिए जो दिया हुआ बॉर्डर को हटाया जाए, एक नया रूप दिया जाए। इसके लिए मुखिया जिम्मेदार हैं, वो आगे करता नहीं, सरकार हमारी सुनती नहीं। स्थानीय प्रशासन से आप लोगों ने कंप्लेंट किया है? जी, कई बार ऐसा कंप्लेंट गया है, नापी वापी होता है फिर कुछ नहीं होता है। देखिए इधर दिखलाइए, थोड़ा बैकग्राउंड में दिखलाइए कितनी मिट्टी है। यहाँ पर बस लगने का कई बार बस ऑटो डेली गाड़ी एक्सीडेंट होता है, यहाँ पर आता है स्पिन में जाता है, घुसता है गड्ढा में, पलट जाता है, वो सोचता है क्या पानी है लेकिन रहता है गड्ढा, तो बहुत सारी कठिनाई है, परेशानी हो जाती है, तो पानी लबालब हो जाता है। हाँ, लबालब हो जाता है, पता नहीं चलता है कि गड्ढा। कई बार नाली से उधर से कीड़े निकलने, कई बार मेरा पटना वाला जो गाड़ी होती है एसी वाला गाड़ी कई बार पलट गया, उसमें सारा आदमी जख्मी हो गया, बहुत सारी मुसीबत होती है। नहीं ऐसा है कि ये जिला परिषद की संपत्ति नहीं है और न ही ये जिला परिषद के अधीन आता है। ये अलग सी बात है कि बहुत पूर्व के वर्षों में, बहुत पूर्व हम लोगों ने वहाँ की कठिनाई देखी थी और उस समय के डीएम साहब और हम लोगों ने आपस में डिस्कस करके, चूँकि हम प्लान बनाते हैं तो एक निर्णय लिया था कि वहाँ बैठने की लोग यात्रियों की सुविधा हो जाए और गेट बन जाए ताकि जो पैसेंजर वेट करते हैं तो उनको एक बैठने का एक जगह होगा, और हम लोगों ने उसको उस समय करवा दी थी। ये हमारे जिला परिषद के अधीन नहीं आती है, ठीक है। इनकी कठिनाई से हम जो जिला पदाधिकारी महोदया को अवगत करा के निवेदन करेंगे कि इस दिशा में उनके तरफ से पहल हो ताकि जो कठिनाइयाँ आ रही हैं इसका निराकरण हो सके। आपके शहर अररिया में खुल गया है अमन जापानी स्टील वर्कशॉप। यहां आपको मिलेगा नए नए डिजाइन के जापानी चदरा से बनी चौखट, खिड़की एवं 3D दरवाजे, अलूमिनियम और फाइबर के दरवाजे एवं मटेरियल्स भी आकर्षित रेट में उपलब्ध है। जापानी चदरा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जंग नहीं लगती है, तो देर किस बात की। आज ही संपर्क करें अमन जापानी स्टील वर्कशॉप, NH 57 मदनी मस्जिद के बगल में, गोढ़ी चौक, अररिया। मोबाइल नंबर 8115232746।